नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। कर्नाटक, बीजेपी की आज से विजय संकल्प यात्रा, जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से हो जाएगा शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन दौरे पर, आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होगा संबोधन। भुवनेश्वर, BGYM कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर विरोध, तेजस्वी सूर्या समेत समर्थक धरने पर बैठे। अफगानिस्तान में फिर भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 4.0 रही तीव्रता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। आबकारी नीति मामला, मनीष सिसोदिया से आज भी पूछताछ करेगी CBI। अंबानी और उनके परिवार को विदेश यात्रा पर भी दी जाएगी Z+ सिक्योरिटी। दिल्ली सरकार में नए वित्त मंत्री होंगे कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद संभालेंगे शिक्षा विभाग। पैसेंजर ने इंडिगो की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोला, चश्मदीदा का दावा, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला गेट, 2 घंटे रोकनी पड़ी थी उड़ान। बीते महीने भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने यात्रा के दौरान विमान का आपात दरवाजा खोला था। रिपोर्ट। महाराष्ट्र, प्याज की कीमतों में गिरावट को लेकर लासलगांव मंडी में किसानों का आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट मोदी से डरा हुआ है, कलेजियम फेल है, कई जज अयोग्य हैं, अधिवक्ता दुष्यंत दवे। मुरुगन फसले को याद करते हुए जस्टिस कॉल ने कहा, कला में अश्लीलता खुद दर्शक लेकर आते हैं। अगर जज रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पाने की सोच रखते हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह सकती। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ राजनीतिक दल गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं, भाजपा विधायक। भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 33 में से 1.5 दर्जन से अधिक विभागों का काम संभाला करते थे। पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जगहों के नाम बदलने का आयोग बनाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा देश में तनाव बनाए रखने की कोशिश। तेलंगाना, रैगिंग को लेकर आत्महत्या का प्रयास करने के कुछ दिनों बाद मेडिकल छात्रा की मौत। ओल्ड मनाली में सरजमी की शूटिंग, इब्राहिम पृथ्वीराज पर फिल्माए गए सीन, काजोल ने शेयर की अपनी फर्स्ट लुक फोटो। नागालैंड में 4 पोलिंग बूथ पर 1 मार्च को दोबारा वोटिंग होगी, जनरल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। पहली बार सामने आई जेलेंस्की के बंकर की तस्वीरें, परिवार की फोटो के सामने रणनीति बनाते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति, कम रोशनी के चलते नजर कमजोर हुई। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर 47 रन की बढ़त, पहली पारी में 109 रन के जवाब में 156 रन बनाए। कई बार केवल पैसों के लिए फिल्में साइन की हैं, शर्मिला टैगोर को आई शुरुआती दिनों की याद, बोली किराए देने के लिए बोला था फिल्मों को हाँ। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।